भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रिजल्ट जारी करने पहुंचे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम बनाया गया, लेकिन वह रिजल्ट जारी कर दूसरे गेट से अन्य गाड़ी में रवाना हो गए। शहर जिला अध्यक्ष राहुल जायसवाल के नेतृत्व में सभी ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व सूचना पर जिला पुलिस की ओर से कार्यालय पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया और सभी कार्यकर्ताओं से समझाइश भी की गई, लेकिन सभी मंत्री को काला झंडा दिखाने और आरएएस भर्ती 2018 में धांधली का आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर रहे थे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने के लिए इंतजार किया, लेकिन मंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं की। ऐसे में वे विद्यार्थियों से बचकर भाग रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि सरकार में सब कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वे विद्यार्थियों का मुकाबला नहीं करना चाहते। आज पीसीसी के अध्यक्ष सामने जो पीसीसी है वो पीसीसी ना होकर के सीसीसी है, करप्ट कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके से आपने देखा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है डोटासरा जी, उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को 80% अंक दिला के आरएस के अंदर सिलेक्शन कराया, जिनके अंदर उनकी बहू के बेटे और भी अन्य रिश्तेदार थे। अगर उसी विषय में बात करी जाए तो उनके कांग्रेस समर्थक जो है रामकेश मीणा जी जो MLA हैं, कांग्रेस समर्थक है जिन्होंने हमें वोट करा, उनके भी परिवार के सदस्य को आरएस के अंदर सिलेक्शन, परिवार के किसी सदस्य का सिलेक्शन हुआ। इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस सरकार को आज युवा मोर्चा ने ज्ञापन दिया। दूसरा विषय यह भी रहा कि जब से कांग्रेस सरकार छल और कपट से सारे युवाओं के साथ छल करके और बाकी सब जो जनता है उनके साथ में छल करके जो इस प्रदेश में आई है, ना उन्होंने किसी को कोई रोजगार दिया, ना कोई भट्टा दिया, और जो पूरा राजस्थान है वो भट्टे में चला गया। जो हमारे CM है अशोक जी गहलोत, वो खुद दो तीन महीने तक क्वारंटाइन होकर घर में बैठे हैं। उनको किसी से मतलब नहीं, उनको केवल परिवार के सदस्यों से मतलब है, उनको खुद के पैसे कमाने से मतलब है और खुद की लॉबी सेट करने से मतलब है। आज जब ज्ञापन देने आया युवा मोर्चा, तो डोटासरा जी सीधे गेट से नहीं निकले, पीछे वाले गेट से निकले, उन्होंने हमारा ज्ञापन नहीं लिया। इसी से पूरे प्रदेश के अंदर सबको पता चलता है कि किस तरीके से इन्होंने सच्चाई के सामने आने से इनकार करा और पीछे वाले गेट से निकले। ये सब चीज़ युवा मोर्चा इस चीज़ का घोर विरोध करता है। और एक चीज़ और बताते हैं कि प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस की सरकार आई है, तब से आपने देखा वाल्मीकि समाज के जो युवा हैं उनके ऊपर हत्या हो रही है, जो लड़कियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके बलात्कार हो रहे हैं। तो इस सरकार के अंदर क्या देखना बाकी रह गया? इसलिए युवा मोर्चा ने PCC की जगह इनका नाम CCC रखा है, करप्ट कांग्रेस सरकार। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।